नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में भाजपा नेताओं ने पुलिस के सामने ही वकील और उसके साथियों के साथ जमकर मारपीट की। घटना ओमती थाना के अंबेडकर चौक के पास की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हो रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने ही भाजपा नेता वकील के साथ मारपीट करते रहे। पुलिस ने विवाद होता देख वकील और उसके साथियों को गाड़ी में बैठा लिया। उसके बावजूद भी भाजपा नेता और उसके साथियों ने उसे निकाला और मारपीट की। ओमती थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि जानकारी के मुताबिक देर रात सदर में रहने वाले वकील आशुतोष गुप्ता अपने दोस्त दिव्यांश यादव और विकास चतुर्वेदी के साथ अंबेडकर चौक के पास खड़े हुए थे। तभी वहां पर भाजपा नेता मिर्जा ओवेस अपने साथियों के साथ पहुंचे। आशुतोष और ओवेस राजा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद ओवेस और उसके साथियों ने आशुतोष के साथ जमकर मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को अलग अलग करवाया। पुलिस टीम में लगभग 6 से 7 जवान थे, जो कि दोनों ही पक्षों को अलग अलग करवा रहे थे। पुलिस ने आशुतोष उनके साथियों को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इस बीच भाजपा नेताओं के साथियों ने गाड़ी में बैठे वकील आशुतोष को जबरन हाथ खींचकर बाहर निकाला और उसके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस भी बचाव कर रही थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा नेता मारपीट कर रहे थे उनके सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 14 तारीख को रात करीब 10:30 बजे के आसपास थाने की पैटर्न में मोबाइल को सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला न्यायालय जबलपुर के गेट नंबर 3 और 4 के बीच के पास में कुछ लड़के आपस में विवाद कर रहे हैं। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर लड़कों की संख्या ज्यादा थी। थाने से हमने सब इंस्पेक्टर द्विवेदी साहब और स्टाफ को वहां पहुंचाया। कुछ लड़कों जो वहाँ पर मौके मिले उनको लेके थाने आए थे। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया कि इनका आपसी विवाद कुछ साइड से खड़े होकर पेशाब करने पे हो गया था। इसमें हमने आशुतोष गुप्ता जी, जो पेशे से अपने आप का अधिवक्ता बताते हैं, इनकी तरफ से एक FIR की है 3 लोगों के खिलाफ। साथ ही साथ एक और है मिर्जा रजा, इनकी तरफ से एक काउंटर FIR भी है, इस मामले के अंदर विवेचना कर रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।